to visit the campus, and we are especially thankful to Asis sir who gave us the opportunity to visit this campus. ये प्रिंसिपल ऑफिस हमारा, ये बोर्ड रूम, एग्जामिनेशन ऑफिस, काफ़ी बढ़िया तरीका से बनाया गया है एकदम, पूरा डेकोरेट करके देख सकते हैं। ये है हमारा सेंट्रल स्टोर, प्लेसमेंट ऑफिस, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम लोग को बहुत ही खाली है। ये क्या है इधर? लैब, ये लैब टू, जैसे कि हम देख सकते हैं लैब टू, ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे क्या था, दो गेट है इसमें, ये लैब टू का दूसरा गेट एंड ये लैब वन, लैब वन का दूसरा गेट। हम लोग अंदर जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है एकदम, मज़ा आ रहा है, नया कैंपस मिलने वाला है हम लोग को। ये वर्कशॉप ऑफिस, फॉर मैन एंड फॉर वुमेन अलग है क्या? सुपर इंस चैम्बर, ओ भाई क्या ही बड़ा है, क्या ही मज़ा आ रहा है एकदम घूमने में। ओ ये हमारे यहाँ से वर्कशॉप का रूम खुला हुआ, सब है अंदर, बढ़िया। हाँ अंदर, बाहर नहीं, अंदर से सो लेना है, अंदर से भी लेना वर्कशॉप का। ये वर्कशॉप हुआ, यहाँ पे हम लोग का सारा ये आएगा, बेंच टेबल आएगा जहाँ पे सब कुछ सिखाया जाएगा हम लोग को। काफ़ी बड़ा एरिया है तो एक बार में अच्छे लोग कवर कर सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही सही है। ये मेंटेनेंस रूम, और ये लिफ्ट भी दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं अभी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। वर्कशॉप का दूसरा रूम, दो रूम है यहाँ वर्कशॉप के लिए। फर्स्ट स्टेटिक रूम जिसे बोलते हैं, फिर थोड़ा बहुत आप आराम कर सकते हैं, स्टेशनरी, हाउस कीपिंग एंड डेप्थ ऑफिस वन, एच ओ डी ऑफिस, ये तो सारा लॉट क्या हुआ। ये भी वर्कशॉप है हमारे पास, तीन तीन वर्कशॉप रूम है ना टोटल, तीन है ना, एक दो तीन। Something different about that smile you're wearing, girl. Yeah, what is it? When I think I know what's going on behind them brown eyes, you're going through that little something, girl, that takes me by surprise. Maybe I ain't never. Let your head down, yeah, you're in the mood, oh, to come on wild. There's something in the air, something different about that smile you're wearing, girl. Yeah, what is it? When I think I know what's going on behind them brown eyes, you're going through that little something, girl, that takes me by surprise. My own eyes, I wouldn't believe it, girl. I can't believe that you were mine. A little red
never seen the side of you before. I think I like it and like to see a whole lot more. Dangling your toes over the edge, I'm out of control. Baby, I ain't never seen the side of you before. No, no, it's inside you before. लाइब्रेरी सेक्शन बहुत सही, मतलब बहुत बड़ा बनाया गया है लाइब्रेरी सेक्शन को। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट आके अपनी किताब लेके पढ़ सकते हैं। बहुत सही पूरा ओपनिंग है, आई गेस टू होटल 18 विंडोज कंटेनिंग टू मेन गेट आई गेस, थ्री मेन गेट है, सेंट्रल लाइब्रेरी कैन द गेट अगर कितने हाँ, एंड वी आर हेयर और वे देखने चले जी, दिस इज अगेन द सेंट्रल लाइब्रेरी एंड द लैब डिपार्टमेंट फॉर ऑल। Hello? I wouldn't believe it, girl. I can't believe that you were mine. A little reckless at the right time. Your inhibitions, you set them all aside. I could get used to you taking my breath away. As long as you got more than secrets coming my way. Yeah. Baby, I ain't never.
लैब 36 के साथ लैब 36 लैब 35 और ये है सेमिनार हॉल। ओके सेमिनार हॉल दो है, इसके फ्लोर के जस्ट नीचे भी एक सेमिनार हॉल है, तो हम कह सकते हैं कि कोई इशू नहीं हो सकता है। इस क्लासरूम के स्टूडेंट इस जगह पे आएंगे, इसके नीचे वाले इसके नीचे जाएंगे, और ये लेडीज टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट और हर तरह से क्लासरूम 12 एंड क्लासरूम 11 रहेगा, और लैब 34 और 33 एंड 32 होंगे। सही है, क्लासरूम 12 तक ही है ना लास्ट? जा हाँ उधर तो हम लोग आए थे, और ये स्टेयर है, ये हो जाएगा हमारा 34 फ्लोर हो जाएगा। ऊपर छत है अच्छा, करने लेना है क्या? यहाँ पे फोटो शूट पे बैठे हुए हैं सभी के, हमारा एक पार्टनर पता नहीं कहाँ गायब हो गया है और खोज रहे हैं हमें उन्हें। ये काफ़ी गहरा है, यहाँ से अगर कोई गया तो गए, देख सकते हैं दुनिया खत्म है यहाँ पे। ये लोग क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, बहुत गर्मी है यहाँ पे, लेकिन कैंपस काफ़ी दूर है, छत भी बहुत ही सही, मतलब क्या ही बोला जाए, बीच में सेंटर में हॉल खाली कर दिया गया है और चारों तरफ से बिल्डिंग बनाया हुआ है, तो एकदम काफ़ी जैसे अपन प्रॉपर कॉलेज होता है ना, कॉलेज जैसे एकदम प्रॉपर कॉलेज जैसे बनाया गया है। और यहाँ से हम लोग बाहर देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, हमको क्या पता, हमको नहीं लग रहा है कि माइक से आवाज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बट अगर जा रहा है तो भाई सुनो, सब बहुत ही है यहाँ का व्यूज़, यहाँ से देखो देखने से लग रहा है कि भाई यहाँ पीछे गंगा नदी है, बट पता नहीं कि यहाँ पे बाढ़ का पानी आके जमा हुआ है, और यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, बहुत ही इंटीरियर में ये कॉलेज। यहाँ पे कॉलेज मतलब ऐसा है ना कि आप उतरो बहुत दूर, चलो मतलब बहुत दूर है, सच में बहुत दूर है। पहले लगा कि ज़्यादा दूर नहीं होगा, लेकिन है दूर है, ऐसा है कि आपको थोड़ा दिक्कत होगा आने में, लेकिन आप सबसे बेटर रहेगा ना कि यहाँ पे जो बाहर से आए उनके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है कि मतलब वो हॉस्टल अगर ले लेते हैं तो उनको कोई इशू इशू नहीं, एक बार आएंगे अपना सामान वामान लेके सब कुछ आते हैं, उसके बाद कोई इशू नहीं होने वाला है उन लोगों को कि हाँ भाई कॉलेज क्या, क्योंकि जो आप देख सकते हैं वो देखिए सामने में, जस्ट सामने में यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, स्टाफ क्वार्टर है, सब कुछ यहाँ पे इसी साइड से आपको आधी जैसे दिखाते हैं, सब कुछ बने दिखेगा यहाँ से फिर छत से दिखाते हैं। बहुत गर्मी है, देखिए ये है, मतलब ये हो गया गर्ल्स कैंपस दोनों, ठीक है, ये आपको अगर दिख रहा है तो ये दोनों जो देख पा रहे हैं सामने में वो गर्ल्स कैंपस है यहाँ पे, और पीछे में स्टाफ क्वार्टर, जस्ट पीछे में लेफ्ट में प्रिंसिपल चैम्बर दिया हुआ है, और गर्ल्स हॉस्टल स्टाफ चैम्बर, और फिर प्रिंसिपल चैम्बर वो हो गया स्टाफ क्वार्टर गर्ल्स हॉस्टल, और बॉयज़ हॉस्टल के जस्ट पीछे में दिया हुआ है, मतलब दो वो भी शायद एक ही है शायद, उनका भी पता नहीं, वो जाएंगे तो उधर पता चलेगा, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट यहाँ से देखने में बहुत मज़ा आ रहा है कि अभी यहाँ पे देखिएगा अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये तो लेवल पे कर रहे हैं, और मोमेंट एकदम बहुत है यहाँ पे, आपको गांव सब भी दिख जाएगा जो है, मतलब लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन काफ़ी दूर उनको भी होता होगा, उनसे भी बात करेंगे आगे चल के देखते हैं। गर्मी बहुत है गाइस, मीन्स बहुत सही बनाया हुआ है, यह है पानी टंकी आएगी, पानी वानी स्टोर होता होगा सबके ऊपर, पानी टंकी दिया हुआ है, हाँ पानी टंकी है, जैसे वहाँ पर देख सकते हैं पानी टंकी है, एक कोना यहाँ होगा वो शायद नॉर्मल रूम है, एक उधर है, एक वहाँ पे है, चलिए कोई यहाँ पर पता नहीं, सारे वीडियो शूट कर रहे हैं, आइए देखते हैं इन लोग से बात करते हैं, फिर होप की आवाज़ आ रहा होगा सभी को, देखा जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, अब चलते हैं स्टाफ क्वार्टर के साइड, उधर देखेंगे क्या है, ये देखें यहाँ पे फील्ड बन रहा है हम सब के लिए, तुम हर बात में काहे के लिए बोलते रहते हो रे और यहाँ हो रहा है नीम बना नीम से, नीम का स्पेलिंग बता दो, हम बनवा लेंगे। यह है प्रिंसिपल ऑफिस, पर्सनल रूम हाउस जिसको बोले, मतलब प्रिंसिपल के ठहरने का जगह ये है, यहाँ पे काफी अच्छा बनाया गया भाई, बॉयज हॉस्टल जस्ट पीछे में वाला वीडियो बनाया जाएगा, हम लोग रील्स बनाया जाएगा बॉयज हॉस्टल पे, आई थिंक इसमें एक ऑफिस चैम्बर है, बहुत ही सही प्राइवेट पर्सनल अलग से दिया हुआ है प्रिंसिपल के लिए, ये गेस्ट हाउस है सभी के लिए। इसमें लाइट कम जा रहा है क्या, ये गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ से, बहुत अच्छा, कितना रूम है गेस, एक फ्लोर में 1 2 3 4 5 6 ही सेट दिख रहा है, और फोटो शूट करवा रहे हैं, कैमरामैन शुभम
सौरभ रियान का फोटो खींचते हुए, और इस टाइम में कोई काम का नहीं रहे हैं। अभी बाहर से देख लेते हैं एक बार, ग्रिल है, फेंसिंग बहुत अच्छा दिया है। मतलब कोई भाग तो कूद गया तो नहीं भाग सकता, अगर भागने की कोशिश करेगा तो उससे ये नोखिले नोखिले चुभ सकते हैं तो वो उनको दिक्कत कर देगा। खैर वो तो बात की बात है, ये तो बकचोदी हो रहा है, कोई नहीं, सब ठीक है। और ये एरिया यहाँ पे होता है समाप्त। तो मतलब कॉलेज का जो एरिया दिया गया बस यहीं तक है भैया, भैया कॉलेज का एरिया बस यही तक है, यही बाउंड्री तक है, यही बाउंड्री तक है, ये बाउंड्री इधर से उधर तक है कॉलेज, यहाँ से जो वहाँ स्टार्टिंग किए गए हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक, काफ़ी बड़ा एरिया है। ये सौरभ प्रेजेंटेशन के लिए वीडियो बनाएंगे, इनको ये दिया गया है। हम तो बोलेंगे कोई एक पॉइंट पे खड़ा होकर जूम कीजिए, कितना चलिएगा? हाँ तो यहाँ से, यहाँ पे भी एक कुआं है, लेकिन कुआं में बहुत पानी है, कुआं भी है जो बंद पड़ा हुआ है, सही बात है। पर कचरा दलदल दलदल हो सकता नहीं, मत जाइए, हम तो बोलेंगे दलदल दलदल हुआ था, मारेगा सर आइए पानी है लेकिन वो खराब पानी है थोड़ा उठाओ, ये सब सब सो हमारा सनी यहाँ पे आएगा, सनी और सागर कबड्डी खेलेगा इसी जगह। नहीं नहीं यहाँ से मेरा ना कहानी मुझे दर्द करने लगा है। और देखिए ये फोटोशूट हो रहा है कॉलेज प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अच्छा वीडियो कर रहे हैं कि नहीं? वीडियो कर रहे हैं ना, ठीक। हाँ अपने ब्लॉग के लिए भी डाल देते हैं एक वीडियो, ऐसा ही बहुत ही सही रहेगा। बहुत बड़ा कैंपस है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा है, मतलब बहुत मज़ा आने वाला, बहुत स्पेस है इसमें, हर रूम में भी स्पेस मिलेगा आपको, बाहर स्पेस मिलेगा, आप घूमना चाहें तो आपको टाइम स्पेंड करने के लिए घूम भी सकते हैं, लेकिन यही है कि बाहर निकल के आप कहीं जा नहीं सकते, मतलब जा सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब उस चीज़ के लिए कहाँ जाइएगा, इधर क्या, इधर कचरा है, मतलब पानी वानी रहता है, ये सूख जाने के बाद अब बहुत हो सकता है, तो जब गर्मी का टाइम रहा अगर ये सूख गया, ये नहीं रहता तो आप यहाँ पे क्रिकेट विकेट खेल सकते हैं, जो अलाउ करता है मतलब यहाँ पे खेल सकते हैं अपने हिसाब से। और बाकी हम लोग का अपना ग्राउंड है ही वहाँ पे, तो स्पोर्ट्स होगा ही, हम लोग का हॉल दिया हुआ है, फंक्शन वंक्शन होगा तो हॉल के अंदर होगा। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ डाउट लगा कि इनकेस अगर पीटीए मीटिंग होता है, पेरेंट्स मीटिंग होता है, तो पेरेंट्स मीटिंग वाले में थोड़ा ये हो सकता कॉलेज विजिट हो गया मतलब हमारा, आप जल्दी वीडियो देखेंगे घूमेंगे कॉलेज भी आएंगे तो फिर वीडियो अपलोड किया जाएगा। अभी फ़िलहाल विजिट में आए हुए थे तो बहुत ही मज़ेदार रहा विजिट हमारा। अब ठीक है देखो हमारा, हाँ भाई सवार आया है, ठीक है।